हे एवरीवन, इस हेयर स्टाइलिंग के लिए आपको फ्रंट को 6 फिंगर लेना है, बाकी सभी रेस्ट ऑफ हेयर को आपको पोनीटेल बांध लेना है। साइड में हमने 6 फिंगर छोड़ रखे हैं, ये हमने साइड पार्टिंग ली है। नाउ यहाँ पे हम नीचे से सबसे पहले हेयर को इक्वल करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे 1 फिंगर का सेक्शन ले रहे हैं। रेस्ट ऑफ हेयर को ऊपर की तरफ जस्ट टक कर देंगे। नाउ इसको अच्छे से कॉम करेंगे, क्लीन नीचे स्प्रेड करेंगे, यही सबसे ज़्यादा आपको विजिबल होगा। नाउ इसके ऊपर फिर स्प्रे करेंगे क्लीनिंग के लिए। नाउ इसमें यू पिन लगा देंगे, यू पिन की मदद से ही इसमें जो आपकी थोड़ा टेक्सचर है वो विजिबल होगा। यहाँ पे जस्ट आप अच्छे से यू पिन लगा लेंगे, 1, 2, 3, 4 जितनी आपकी यू पिन लगे। नाउ पीछे इसको जस्ट यू पिन से हम टक कर रहे हैं पोनीटेल के पास में गाइस। नाउ अगेन हम ऊपर आएंगे, यहाँ पे हेयर को टेंगल फ्री करेंगे। नाउ यहाँ से आप एक और 2 फिंगर का सेक्शन लेंगे। नाउ 2 फिंगर का सेक्शन लेना है, इसको हम यहाँ पे ठीक अब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिवाइड होने के बाद इस सेक्शन को छोड़ देना, आपको सबसे पहले फ्रंट का सेक्शन लेना है, इसको अच्छे से कॉम करना है। नाउ इसको इसके ऊपर स्प्रेड करना है आपको यहाँ पे अच्छे से। स्प्रेडिंग हो जाने के बाद आपको इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे अच्छे से स्प्रे कर लेना है। स्प्रे करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे यू पिन लेनी है और आपको यहाँ पे जस्ट उसे इंसर्ट कर देना है। 1, 2, 3 पिन के साथ में आप जस्ट उसे यहाँ पे होल्ड कर लेंगे इसके ऊपर। नाउ दूसरे सेक्शन को जस्ट सेम जहाँ पे वो है वहाँ पे यू पिन से जस्ट टक कर लेंगे। नाउ नीचे वाला सेक्शन लेंगे, इसको भी अच्छे से आप कॉम करेंगे, इसको स्प्रेड करेंगे यहाँ पे अच्छे से। इन दोनों ही स्प्रेडिंग को आप बराबर रखेंगे, उसके ऊपर फिर आप स्प्रे करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रे हो जाने के बाद जस्ट उसमें भी आप यहाँ पे यू पिन लगा लेंगे ताकि आपका टेक्सचर विजिबल हो पाए। यू पिन लगाने के बाद इस हेयर को भी जस्ट आप पीछे की तरफ जब अपने सबको होल्ड करा वहाँ पे इसे भी होल्ड कर देंगे आप। नाउ होल्डिंग हो जाने के बाद में जस्ट आपको अगेन ऊपर आना है, ऊपर से हेयर को टेंगल फ्री करना है। एक और 2 फिंगर का सेक्शन लेना है आपको। सेम जैसी सेक्शन ले लेंगे आप, इसको ठीक 2 इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे अच्छे से। डिवाइडेशन होने के बाद पहले फ्रंट के हेयर को आपको क्लीन करना है अच्छे से। क्लीनिंग हो जाने के बाद आपको ठीक यहाँ पे उसे ऐसे स्प्रेड कर लेना है। इसकी स्प्रेडिंग जो है इन सबकी एक के ऊपर एक रहेगी, किसी की स्प्रेडिंग किसी को कवर नहीं करेगी यहाँ पे। नाउ स्प्रे करेंगे अगेन, उसमें हम यू पिन लगा रहे हैं ताकि लाइनेड टेक्सचर आपको यहाँ पे विजिबल हो पाए। यू पिन लगाने के बाद जस्ट इसको भी वहाँ पे पीछे की तरफ आप टक कर देंगे। नाउ अगेन इसका वाला हेयर लेंगे, इसको अच्छे से जस्ट कॉम करेंगे क्लीन। नाउ इसको भी स्प्रेड करेंगे। नाउ इसको स्प्रेडिंग हो जाने के बाद में फिर यहाँ पे स्प्रे करेंगे हल्का सा ताकि वो क्लीन हो जाए। नाउ उसमें भी आप यू पिन लगा देंगे सेम जैसे वो। दोनों को एकदम इक्वल रखना है, आपको चेक कर लेना है कोई भी कम ज़्यादा ना हो। यू पिन के मदद से जस्ट इसको भी हम पीछे की तरफ यहाँ पे ऐसे ही होल्ड कर लेंगे गाइस। अगेन इसके बाद हम आपको एक ऊपर वाला लास्ट सेक्शन बता रहे हैं अभी कि आप उसे आप कैसे बनाएंगे। नाउ इसको भी जस्ट आप यहाँ पे आएंगे, हेयर को टेंगल फ्री करा आपने, एक और 2 फिंगर का सेक्शन लिया। नाउ इसको भी आपने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा यहाँ पे। नाउ फ्रंट वाले को ठीक आपको यहाँ पे स्प्रेडिंग करना अच्छे से क्लीन करके पहले वाले के ऊपर में। नाउ उसको हमने यहाँ पे स्प्रेडिंग करा अच्छे से, इसके ऊपर हल्का सा स्प्रे करा हमने। नाउ यहाँ पे भी हम यहाँ पे यू पिन लगा लेंगे उनके मदद से जस्ट ऐसे ही। 1, 2, 3, 4 जितनी भी आपको लाइनें विजिबल करनी हो उतना यहाँ पे लगा सकते हैं। हमने जस्ट यहाँ पे 5 फाइन मिल लगाई है। नाउ अगेन पीछे की तरफ गए और यहाँ पे यू पिन से जस्ट हमने टक कर दिया। नाउ इसको भी हमने जस्ट यहाँ पे टेलकॉम की वजह से स्प्रेड कर रहे हैं बिकॉज सेक्शन काफ़ी थिन है ये वाला पतला सा। नाउ इसको जस्ट हमने यहाँ पे स्प्रे करा। नाउ इसके अंदर भी हमने यहाँ पे यू पिन से लगा ली, जितनी भी आपको यू पिन लगा ली है। नाउ इसको भी जस्ट पीछे की तरफ जाते हुए हम यहाँ पे ठीक ऐसे ही टक कर देंगे जहाँ पे आपकी यू पिन लग रही हो आप वहाँ पे लगाएं। नाउ इसको भी जस्ट हम पीछे ले गए और यहाँ पे जस्ट हमने टक कर दिया। नाउ पूरे हेयर पर हम ऐसे ही बना लेंगे। पूरा बनाने के बाद आपको कुछ ऐसा इसका टेक्सचर दिखेगा। नाउ अब इनको आपको पूरे हैंड में अपने ग्रिप करना है, जो यू पिन आपके बैक साइड लगी है उनको आपको रिमूव कर देना है यहाँ पे। नाउ इसे अच्छे से आप पूरे हैंड में ग्रिप करेंगे, रबर बैंड बॉब पिन लेंगे ठीक जहाँ पोनीटेल बनाए हुए बॉब पिन को डालेंगे और रबर बैंड की मदद से इसे ऐसे ही जस्ट यहाँ पे लाइट लॉकिंग कर देंगे और जस्ट रबर बैंड को जस्ट बॉब पिन में डाल देंगे। नाउ यू पिन हटाने के बाद कुछ इस टाइप से फ्रंट आएगा। नाउ टोटल आउटकम आपका इस टाइप से आएगा गाइस। हमने बैक में रोज बनाया है यहाँ।